अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मैं हूं सबिया सरदार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे को शहरी के वक्त से और इस वक्त मैं सैरी कर रही थी वही मेरा चाय पराठा और शहरी वगैरह करने के बाद फजर का टाइम हो गया था थोड़ी देर तक तकरीबन आधे घंटे के बाद फजर की अजान हुई थी तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली और आज मैंने नमाज़ से पहले कुरान पाक नहीं पढ़ा आज मैंने नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ा था और बस फिर यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गई थी काफ़ी देर तक मैंने कुरान पाक की तिलावत की ये वो कुरान पाक है जो मेरे ससुराल में मौजूद था और जब मैं आई शुरू में तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये पढ़ने के लिए दिया था तो फिर इसमें भी मैंने स्टार्ट कर दिया था और जो मेरा दूसरा वाला कुरान है जो तर्जे में वाला है तो मैं उसमें भी पढ़ती हूँ तो इसमें मेरा कुरान पाक ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है तो इसी लिए मैं इसी में ज़्यादा पढ़ रही हूँ आजकल और बस कुरने पाक की तलावत करने के बाद मैं सो गई थी सुकून से और लंबा सोई काफ़ी उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने घर के थोड़े बहुत काम वाम किए थोड़ी बहुत सफ़ाई वगैरह और बस यहाँ फिर मैं अपने कपड़े निकाल रही थी नहाने के लिए ताकि फ़्रेश फ्रेश, -फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी जाए जहर की और ये सूट मेरी अम्मी ने सिल के दिया था मुझे है ये मेरी शादी के वक्त का सूट लेकिन मैंने इसको इतना संभाल संभाल के पहना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत लाइट सा और सुकून वाला मेरा ये सूट है तो इसलिए मैं इसको बहुत संभाल संभाल के पहनती हूँ और इस ड्रेस का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना मुझे ये भी बहुत ज़बरदस्त लगता है और बस फिर यहाँ पर नहाकर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने काम पर लग गई थी तकरीबन तीन घंटे मेरे उस काम में लगे थे और उसके बाद फिर मैं अफ्तारी के लिए नीचे चली गई थी क्योंकि साथ ही जब अफतारी बनती है तो मैं खाना भी बना लेती हूँ और ये जो आपको नज़र आ रहा है आज मैं बनाने लगी हूँ इसका शरबत पाकिस्तान में तो मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा और इसे पैशन फ्रूट कहते हैं तो मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे बहुत सारे तो मैंने सोचा इसका जूस बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होता है खट्टा मीठा सा और रफ्तारी का वक्त इस तरह के जूस या शरबत बहुत मज़े के लग रहे होते हैं मैंने इसको अपने सिंपल तरीके से बना लिया था वही पानी में चीनी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको अच्छे से डिजॉल्व कर लिया था और चीनी अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर गुड़ वग़ैरह या शक्कर वगैरह भी डाल सकते हैं वैसे तो शरबत का मज़ा चीनी से ही आता है गुड़ और शक्कर से वो वाला मज़ा नहीं आता और चीनी मैंने हंसबे ज़रूरत ही रखी थी ज़्यादा तेज़ नहीं रखी थी क्योंकि यहाँ पर भी सब लोग इतना मीठा नहीं पीते यहाँ पर यानी कि मेरे ससुराल में बस एक मैं ही शदीद मीठी हूँ यहाँ पर जैसे मीठा खाना इतना पसंद है बाकी सब इतना नहीं पसंद करते और बस यहाँ पर चीनी और नमक अच्छे से डिज़ो हो चुका है अब मैं करूँगी पैशन फ्रूट कट अच्छा ये थोड़ा सा ना कीनू की तरह का लगता है ऊपर से लेकिन ये कीनू नहीं होता और ऊपर से ये थोड़ा सा हार्ड होता है और इसको छील नहीं आप सकते इसको काटना ही पड़ता है छुरी से इस तरह ही इसको काटते हैं और फिर जो अंदर का मटेरियल होता है ना इसका उसको चम्मच से निकालना पड़ता है वो भी आप हाथ से निकाल नहीं सकते टेस्ट इसका खट्टा मीठा सा होता है और बहुत मज़ेदार लगता है जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा और इसको आप खाएँ तो इतने मज़े का लगता है और ऐसा लगता है जेली और तुखमलंगा मिले हुए हैं जो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक बच आपको नज़र आ रहे हैं वो तुक मलंगा के जैसे होते हैं और वो इतने ज़बरदस्त लग रहे होते हैं क्रंची क्रंची से और साथ में जैली जैली जैसा वो उसका जो गुदा होता है वो होता है देखने में शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार होता है और जूस बन तो इसका बहुत ही मज़े का लग रहा था और बस यहाँ पर मैंने सारे पैशन फ्रूट कट कर लिए हैं और जब मैं यहाँ शादी होकर शुरू में आई थी तो मैंने पैशन फ्रूट फ्लेवर में फांटा भी थी और वो इतने मज़े की लग रही थी और फिर उसके बाद मैंने ये पैशन फ्रूट खाया था तो मुझे ये भी बहुत ही मज़े का लगा था और मैं चाह रही थी कि इस वक्त मुझे पैशन फ्रूट फ्लेवर वाली फांटा मिले तो वो भी मैं इसमें ऐड करती लेकिन वो मिली नहीं थी लेकिन वो बिना फांटा के ही बहुत मजे का लग रहा था और बस इसको चम्मच की मदद से सारा इस तरह से निकाल लेंगे और ये जिस तरह आप चम्मच इसमें घुमाते रहेंगे पूरा निकलता जाएगा आराम से और ये पूरे एक पैशन फ्रूट में ना तकरीबन तीन चार चम्मच ही निकलते हैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता इसमें और इसी तरह एक एक करके मैंने सारे पैशन फ्रूट से उसका सारा गदा निकाल लिया था और ये देखें ये कितने मज़ेदार लग रहा है और जब मैंने इसको ठंडा करके सर्व किया था सबको पी के मज़ा ही आ गया था जैसे वो नहीं होता आप कहें कि ठंड पै गई है वो वाला हिसाब हो गया था आपका पाकिस्तान में तो मैं जब तक रही हूँ मैंने ये नहीं खाया और ना ही मैंने देखा है अगर आपने देखा है और खाया है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और बस ये शरबत मैंने बॉटल में डालकर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो मज़ेदार सा ठंडा आ जाए और ये देखें इतने मज़ेदार सा ठंडा हो चुका था और इतना मज़े का लग रहा था ना ये जूस अगर आपकी कंट्री में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर ये अवेलेबल है तो ज़रूर ये वाला जूस बनाकर ट्राई कीजिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगा और बस फिर जूस बनाने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में अफ्तारी के कामों में उसमें पकोड़े मैंने बनाए समोसे बनाए समोसे इतने बरकती थे कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले क्योंकि मेहनत मेरी बहुत लग गई थी उसमें और अगर आपने मेरा समोसे वाला ब्लाग नहीं देखा तो मैं जरूर अटैच कर दूंगी उसको एंड वीडियो पे तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और ये वाला वक्त ऐसा होता है ना पाँच साढ़े पाँच बजे का टाइम होता है तो साथ में सालन भी पका रही होती हूँ क्योंकि सब ने अफतारी के बाद रात का खाना ही खाना होता है ऑलमोस्ट एक एक रोटी सब लोग खा लेते हैं थोड़े बहुत समोसे पकौड़े खाने के बाद जब मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पर रमज़ान में हम लोग क्या करते थे अफतारी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते थे हम लोग खाना नहीं बनाते थे अफतार के वक्त थोड़ा बहुत खा के नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर एक डेढ़ घंटे के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते थे कभी फ्रूट चाट कभी चने कभी दही बड़े तो इसी से हमारा पेट भर जाता था और यहाँ पर रफ्तारी में ज़्यादा पकौड़े या समोसे कोई नहीं खाता ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन खा लेते हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं और ये काफ़ी टाइम के बाद तो सबने ये वाले पकौड़े खाएँ तो सबको ये वाले पकौड़े बहुत अच्छे लगते तो ये लाजमी हमारी रफ्तारी में बनते हैं सब क्या यहाँ ही पकौड़ों की अलग अलग वरायटी होती है कुछ क्या इस तरह बनते हैं कुछ क्या आलू को लंबा लंबा काट के बेसन में डिप करके बनाया जाता है और बस यहाँ पर पकौड़ों के साथ साथ मेरा सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया ऑलमोस्ट बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगी जब तक आलू ना गल जाए जब अफ्तारी का सारा सामान बन रहा होता है अफतारी वगैरह बन रही होती है मैं तभी सारा ये रात का भी खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ ताकि अफ्तारी के बाद कोई टेंशन ही ना रहे क्योंकि अफ्तारी के बाद शदीद किस्म की सुस्ती छाई हुई होती है आई थिंक ये सब के साथ ही ऐसा होता है सुस्ती वाला मामला खैर अब मैं यहाँ पर करती हूँ व्लॉग को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा फी अल्लाह